दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे FDI के बारे में कि FDI क्या होता है। FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हिंदी में इसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी देश को आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए उसे पैसे की ज़रूरत होती है, और ये पैसा उसे अपने देश के इन्वेस्टरों, कंपनियों, टैक्स के पैसों आदि माध्यमों से प्राप्त होता है, और इसके अलावा उसे विदेशी इन्वेस्टरों और विदेशी कंपनियों द्वारा प्राप्त होता है। विदेशी निवेश भारत में आसानी से आ सके, इसके लिए देश के कानून को लचीला बनाया जाता है, जिससे कई विदेशी निवेशक उस देश के प्रति आकर्षित हो सके। इसके लिए भारत में भी एक संस्था FDI की शुरुआत की गई, जिससे कि देश में विदेशी निवेशकों को बढ़ावा मिल सके। भारत में FDI की शुरुआत फेमा एक्ट के तहत 1999 में एक अधिसूचना के आधार पर मिली थी। सरल भाषा में FDI का अर्थ है कि भारत से बाहर का कोई भी व्यक्ति या कंपनी भारत के किसी भी कंपनी में निवेश या फिर अपनी स्वयं की कंपनी को लगा सकता है। इस नियम के तहत विदेशी निवेशक भारतीय कंपनियों के शेयर या बॉन्ड खरीद सकते हैं। निवेश करने पर जो भी लाभ होगा वह लाभ और मूलधन को अपने देश वापस ले जा सकता है। इसे रिपोर्टेबल बेसिस कहा जाता है। FDI द्वारा बनाए गए सभी नियमों का पालन करना होता है, तभी विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश करने की मंजूरी मिलती है। FDI मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला ग्रीनफील्ड निवेशक, दूसरा पोर्टफोलियो निवेशक। ग्रीनफील्ड निवेशक के अंतर्गत दूसरे देश में एक नई कंपनी की स्थापना की जा सकती है, और पोर्टफोलियो निवेश के तहत जिस देश में निवेश करना होता है उस देश की कंपनी के शेयर खरीदे जाते हैं या फिर उस देश की कंपनी का अधिग्रहण किया जाता है। भारत ने वित्त वर्ष 2020-21 में अब तक का सबसे अधिक FDI हासिल किया है। यह 10% से बढ़कर $81.72 अरब हो गया। मई 2021 में FDI 12.1 अरब डॉलर रहा, जो मई 2020 की तुलना में 203% अधिक रहा है। अप्रैल 2021 में देश में आने वाला FDI 6.24 अरब डॉलर रहा, जो कि अप्रैल 2020 के मुकाबले यह 38% ज़्यादा है। भारत ने साल 2020 के दौरान $64 अरब का FDI निवेश हासिल किया। इसके साथ ही यह FDI हासिल करने वाला दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है। इस मामले में चीन देश का नाम सबसे प्रथम स्थान पर आता है। सिंगापुर लगातार तीसरे साल FDI के मामले में अव्वल रहा, वहां से कुल $17.41 अरब का निवेश आया है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट UNCTAD यानी UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एवं डेवलपमेंट द्वारा हर साल जारी किया जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।